ये चलिए, थोड़ा बहुत सामान घर पे था, थोड़ा बहुत मैंने मंगवा लिया है, जैसे ताजा पनीर और मेयो वगैरह घर दादा लेके आ रहे हैं, तब तक मैं बाकी सारी तैयारियां कर लूंगी। तो आज मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी नाचनी पनीर रोल, हम कोशिश करेंगे इसे अच्छा खासा चटपटा बनाने के लिए और वो बहुत हेल्दी ऑप्शन भी होगा। तो मम्मी रेडी टू ट्राई? ओके, सो चलिए मैं किचन रेडी करती हूँ और सारे इंग्रीडियंट्स रेडी करती हूँ, फिर आपसे। सो मैं आज बना रही हूँ पनीर रोल, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बनेगा, लेकिन मैं उसे गेहूं में या मैदे की रोटी में ना बना करके मैं उसे बनाऊंगी नाचनी में। तो नाचनी इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, उसमें जो आयरन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और वैसे भी ग्लूटेन फ्री होता है, और वैसे भी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि नाचनी, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। सो ये है मेरे पास नाचनी का आटा, यहाँ पर मैंने चॉप कर दिया है थोड़ा सा कैप्सिकम, ये हाफ कैप्सिकम है क्योंकि वो कैप्सिकम बहुत बड़ा था तो इसे मैंने हाफ ही चॉप किया है। ये एक फुल अनियन मैंने स्लाइस कर दिया है, सॉरी चॉप नहीं, मैंने स्लाइस ही किया है, स्लाइस किया है, इसको भी स्लाइस किया है। ये मैंने मंगाया है पनीर, हालांकि मैं इसको पूरा यूज नहीं करूंगी, इसमें लगभग सिर्फ हाफ यूज होगा। एंड ये ना मैंने चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया ले लिया है, जितना धनिया है उससे करीब 1/4, 1/3 अमाउंट लिया है पुदीना, और ये है 2 गार्लिक और ये 2 हरी मिर्च, इसकी हम चटनी बना लेंगे और फिर हम आगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पनीर की जो फिलिंग होने वाली है उसको रेडी करने से। यहाँ पे मैंने पैन गर्म कर लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, और ये ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें अपना जो अनियन एंड कैप्सिकम है उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, बिल्कुल भी हमें क्रंचीनेस चाहिए लेकिन उनका थोड़ा कच्चा पन भी हटाना है तो हल्का सा सौते करेंगे। तो जब तक हमारा कैप्सिकम और अनियन जो सौते हो रहा है तब तक हम लोग पनीर कट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत फ्रेश और बहुत ही अच्छा पनीर लेके आए हैं। ये अच्छे से सौते हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं। एक बार आपकी अदरक लहसुन के पेस्ट की जो कच्ची महक है वो चली गई, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अब मसाले, ये देखिए मैंने नमक की जगह यहाँ चीनी रखी, नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, और फिर हम डालेंगे तंदूरी चिकन मसाला। ये मसाला कहने के लिए तंदूरी चिकन मसाला होता है पर ये वेजिटेरियन है तो आप इसे अपनी डिश में आराम से बिना किसी स्ट्रेस के यूज कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर ऐड करने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला। सो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लास्ट में इसमें चाट मसाला ऐड करने वाले हैं, सो शुड नॉट बी टू नमकीन, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सॉस भी डालेंगे, फिर उसके बाद ड्रेस करते वक्त आप इसमें चटनी भी डालोगे तो उस हिसाब से आप बैलेंस कीजिएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी तंदूरी चिकन मसाला करीब 1.5 से 2 चम्मच, और पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमेटो केचप। देखिए मुझे ना थोड़ा मिठास आए तो चलता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चटनी जो है वो थोड़ी मीठी होने वाली है। अगर आप लोगों को ज्यादा मिठास पसंद नहीं है मतलब केचप का फ्लेवर, तो आप इसकी जगह इसको चिली सॉस और ये मिक्स कर सकते हैं, बट आई लाइक इट। और आप चाहो तो आप इसमें कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हो या रेड चिली तीखा पाउडर भी डाल सकते हो। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा पनीर, चलिए तो ये हो गया है, पनीर एकदम सॉफ्ट और जूसी हो गया। अब इसे बंद कर देंगे, इसे ढक के साइड में रख देंगे, अब हम चपाती रेडी करते हैं और फिर हम अपना रोल बनाते हैं। सो मैं बना रही हूँ अब नाचनी की रोटियां, क्योंकि इसी के ऊपर स्टफिंग वगैरह सब रख के हम अपना पनीर रोल बनाएंगे। सो ये मैं रेडी कर रही हूँ, कुछ नॉर्मल है जैसे आप जवार बाजरा वगैरह गूंथते हो, गर्म पानी में आपको आटा गूंदना है, थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है, और उसके बाद यूजुअली इनको बेला नहीं जाता बिकॉज नाचनी इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, तो आप हाथ से ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये आटा जो है फैलता रहता है। मैं फिलहाल क्या कहते हैं ड्राई आटे का मुझे यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग या आपकी फैमिली में आपकी मम्मी और अगर यूज टू है इन ग्रेन से, तो कई लोग तो बिना कुछ यूज किए बना लेते हैं, बहुत अमेजिंग बनाते हैं, जैसे मानसी दीदी। अब चटनी रेडी कर लेते हैं, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको चटनी के उस छन्नी में दिखाए थे वो मैंने डाल दिए, डाला थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा काला नमक, और इसके बाद हम इसे चर्न कर लेंगे अच्छे से, ये देखिए। और अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू, नींबू से स्वाद भी आता है और चटनी का कलर भी नहीं बदलता। रेडी है मेरी पनीर की फिलिंग रेडी है, और जो टॉपिंग्स मैं यूज करने वाली हूँ वो भी रेडी है। हालांकि आप चाहे तो यू कैन प्ले अराउंड, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो सैंडविचेस हो, चाहे वो रोल्स हो, आप जो चाहे वो एज अ स्प्रेड, एज अ सॉस, एज अ चटनी आप यूज कर सकते हैं। सो मैं आज इसे बहुत सिंपल रखने वाली हूँ, आई विल यूज चीज स्प्रेड, प्लेन चीज स्प्रेड एज द बेस। हालांकि मैंने मेयो निकाल के रखी है पर मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ चीज स्प्रेड, पनीर एंड चटनी लगाऊंगी तो वो बहुत ही ज्यादा यम्मी लगेगा। सो वेरी सिंपल, आई विल टेक अमूल चीज स्प्रेड, और ये इतना ज्यादा क्रीमी इसलिए कि मैंने इसको काफी देर से जो है बाहर रखा हुआ है, तो ये एकदम अच्छे से मैं स्प्रेड कर पा रही हूं। सो ये देखिए मेरे रोल्स हो गए हैं रेडी, और अब मैं सबसे लास्ट में इसके ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा रॉ अनियन, तो एकदम क्रंच क्रंच होगा और ये चलेगा। आप अगर और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें पिकल बीटरूट भी डाल सकते हैं, जैसे शॉर्मास में होता है, या पिकल कैरेट को भी ऐसा लगता है, बट फॉर अ रोल जस्ट दिस मच इज फाइन।
इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप यू नो टिफिन में कैरी करना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं. हेल्दी का हेल्दी है, टेस्टी का टेस्टी है, सो दे विल एंजॉय. सी वो केचप थोड़े से हेल्थ को ना ध्यान में रखते हुए मैंने डाली है ताकि उसे थोड़ा वो चटपटापन आ जाता है तो इंसान खा लेता है. चलिए अब इसको रैप कर लेते हैं यहाँ से, ये अच्छे से यहाँ से, और इसे लेके हम यहाँ पे अच्छे से पैक करेंगे. ओके, ये रेडी टू सर्व. ये लो, ये आपका रोल रेडी, ये आपके का रोल रेडी. नाचनी पनीर. बोल कम ज्यादा होता तो बोल सकते हो, थोड़ी सॉस कम ज्यादा. वही मैंने आपको बोला कि अगर आपको सॉस का फ्लेवर थोड़ा कम चाहिए तो आप उसे कम कर सकते हो. बाकी थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद है, मुझे थोड़ी ज्यादा केचप पसंद है तो ओके. तो नाचनी ऐसे खाता नहीं है तो पसंद आया कि नहीं? पक्का? और तुझे इतना सॉस चटपटा चलता है? नहीं तो केचप नहीं कम करो. ओह तो सबके लिए केचप हो गया. अच्छा चटनी और उसका फ्लेवर पनीर का. ओके बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा मीठा लग रहा है क्योंकि केचप ज्यादा. मैंने अपने पसंद के चक्कर में इसमें टमेटो केचप थोड़ा ज्यादा डाला है कुक करते वक्त, तो वो मम्मी को भी मीठा लगा है, वो अभिषेक को भी मीठा लगा है, और आपको भी मीठा लगा है. चलिए अब मैं टेस्ट करती हूँ. मेरे साथ बिल्कुल. हाँ जी, आ गई हूँ मैं ऊपर. सबने खाया रोल अच्छे से, एंड अब मेरे हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से